नमस्कार, पीआर कुकिंग में आपका स्वागत है। जल्द ही होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में हम सभी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। ऐसे ही स्वीट डिश में एक नाम गुजिया का भी शामिल है, जो कि होली पर हर घरों में बनाई जाती है। अक्सर शिकायत रहती है कि घर पर गुजिया बनाते या तलते समय फट जाती हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हलवाई स्टाइल खस्ता गुंजिया बनाना करते शुरू हैं। करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ना हमारी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरह से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। अब दूध से हमें इस डो को तैयार करना है। आप चाहें तो दूध पानी दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हमें कड़ा डो तैयार करना है, जैसे पूरी का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। गुजिया के लिए हमें डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली एक कढ़ाई। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसका हल्की सी खुशबू आने लगे, तभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी सेम कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी फिर ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये मावा डालेंगे। मावा मेरा घर का है, आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं। मावे को हमें हल्की सी खुशबू आने तक भूनना है। हम ज़्यादा मावे को नहीं भूनेंगे, क्योंकि हम सूजी और मावा को हम ज़्यादा भून लेंगे जब हम गुजियों को फ्राई करते हैं ना, तो अंदर की जो स्टफिंग है ना, तलते हुए ना, जल जाती है। तो इसलिए हमें कम कम ही सारी चीज़ों को भूनना है। इस कढ़ाई में हम ये कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे, ये बारीक कटे हुए बादाम और काजू। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। मावा ठंडा हो गया है। अब इस मावे में हम ड्राई फ्रूट भुने हुए डाल देंगे, सूजी। अब इसमें हम डालेंगे बूरा। बूरा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच बूरा लिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। अब इसमें डालेंगे चिरौंजी। सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। आटा भी अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया है। आटे को हम हल्का सा हाथों से मस लेंगे। अब आटे से हम हल्की हल्की लोई लेंगे, हाथों से इस तरह से हम लोई को चिकना कर लेंगे। अब इसको हम बेलन की हेल्प से, इसको हम जैसे पूरी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही उसी शेप में हमें बेलना है। इतना बड़ा हमने बेल लिया है। अब इसको जैसे ऐसी थी ना हमारी लोई, इस तरह से ऐसे उल्टा रखना है, इस तरह से। अब इसमें हम ये स्टफिंग भरेंगे। आप 1 चम्मच बस भरना, क्योंकि ज़्यादा भर देंगे तो गुंजिया फट जाएंगी। इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। दबाते हुए इसको बंद करना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। अब इसको एक्स्ट्रा जो आटा है ना, इसको हम धीरे धीरे निकाल देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनके तैयार है। इसी तरह हमें सारी गुजिया बना के तैयार करनी है। सारी गुजियों को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब धीरे धीरे हमें इसमें गुजिया डालनी है। एक साथ नहीं डालनी है, बस चार चार करके हमें इनको तलना है। अब इसको हम पलट देंगे। अब इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है। इसी तरह हमें सारी गुंजियों को तल के तैयार करना है। सारी गुंजियों को हमने तल के तैयार कर लिया है। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म मावा गुजिया बनकर तैयार है। आप इसको ठंडी होने के बाद 10-15 दिन तक कंटेनर में भरकर भी रख सकते हैं। तो आपको भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें।